हेलो एंड वेलकम टू डीटीज वेंचर। मेरा नाम धवल ठक्कर। आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में कि यहां से मार्केट का क्या व्यू होगा। जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक 100 पॉइंट का निफ्टी का करेक्शन दिखाई दिया। वेल दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट द इम्पोर्टेंट लेवल्स टू वॉच फॉर मार्केट राइट नाउ इज के अभी निफ्टी स्पॉट चल रहा है 11,340 के आसपास में स्पॉट चल रहा है। और यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि अभी यहाँ से एक नया लेवल जो मैं डेवलप करने जा रहा हूँ और दैट इज़ ऑन रेजिस्टेंस साइड, कि जब तक 11,380 और 11,410 के ऊपर, जो मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर भी कहा था, उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं आता तब तक हम नई फ्रेश तेजी निफ्टी के अंदर नहीं देख पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, बैंक निफ्टी के अंदर जैसे कि अभी स्पॉट में चल रहा है 22,040 का लेवल, तो बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर भी मैं कम से कम ये 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन हो गए बोलते हुए कि जब तक 22,400 के ऊपर एक नया क्लोज देखने नहीं मिलता तब तक हम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से 19,550 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर। और अभी के लिए, फिलहाल के लिए, मैं अगर आपको कुछ लेवल्स बताऊँ दूसरे सारे इंडेक्स के बारे में, तो आप वो इंडेक्स को ज़रा ध्यान में रखिएगा ताकि कम से कम उसके ऊपर से आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि क्या अपसाइड अपू हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी के या ये सब चीजों के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा निफ्टी फार्मा के बारे में। निफ्टी फार्मा इंडेक्स अभी चल रहा है 11,560। इफ निफ्टी फार्मा गिव्स क्लोज ओनली अबाउ 11,600, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू रैली टू कंटिन्यू इन फार्मा, वरना यहां से फार्मा के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलेगा। उसके बाद मैं आपको मैं बताऊंगा निफ्टी ऑटो के बारे में। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अभी चल रहा है 7930 के आसपास, तो 7980 या 8000 के ऊपर अगर निफ्टी ऑटो का इंडेक्स अगर सस्टेन करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एक रैली कंटिन्यू करने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे निफ्टी मेटल्स 2540 चल रहा है, तो निफ्टी मेटल्स के अंदर 2600 के ऊपर का जब तक हमें क्लोज दिखाई नहीं देता तब तक हम एक नई तेजी की एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं चल सकते। इन नटशेल अगर मैं यहाँ पर बताने जाऊँ तो फिर निफ्टी, सॉरी, मैं और एक चीज़ के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा, डॉलर के ऊपर। डॉलर अभी चल रहा है 74.9975 स्पॉट चल रहा है अभी। अगर डॉलर का क्लोज अगर 75 स्पॉट के ऊपर अगर आ जाता है कहीं पर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर के अंदर यहाँ से कम 30 से 40 पैसे की हमें अपनों अपो देखने मिलेगी जो डॉलर को लेके जा सकता है 75-40 के आसपास में टिल दिस एक्सपायरी। तो मेरा मानना अभी भी यही है कि अभी भी कॉशियस मोड के अंदर रहे, थोड़ा कम पोजीशन बना के रखिए अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो तो, और ज़्यादा ओवर लेवरेज एक्सपोजर मत कीजिए। स्पेशली एक चीज़ के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा, एंड दिस इज स्पेशली आई वुड लाइक टू से स्टे अवे फ्रॉम बैंक स्टॉक्स। बैंक स्टॉक्स के अंदर मैं यहाँ से, भले आज यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर एक रैली अच्छी खासी देखने मिली है, हो सकता है कि यहाँ पर निफ्टी 11,340 के ऊपर, 11,410 के ऊपर बंद हो जाए और एक हमें एक्सटेंडेड रैली दिखने मिले, बैंक निफ्टी 22,400 के ऊपर बंद हो जाए तो उसमें भी हमें शायद एक एक्सटेंडेड रैली देखने मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ट्राई टू अवॉइड बैंकिंग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी, क्योंकि बैंक स्टॉक्स के अंदर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि कभी भी, हाँ आप अगर फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, हेज करके चल रहे हो तो बात अलग है, लेकिन बैंक स्टॉक्स के अंदर मैं अगर बात करने जाऊँ, सारे बैंकिंग स्टॉक्स की मैं बात करने जाऊँगा, प्राइवेट हो या पीएसयू हो, वहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक 20 से 30 पॉइंट बेयर मिनिमम करेक्शन इन नियर टर्म। तो बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा दूर रहिएगा अगर आपको पोजिशन अगर डेवलप करनी है तो, आप कैश स्टॉक्स में अगर आपको डेवलप करनी है तो आईटी सेक्टर है, FMCG है, ये दोनों एक डिफेंसिव सेक्टर है, तो दोनों डिफेंसिव सेक्टर में आप थोड़ा थोड़ा कैश में ट्रेडिंग कर सकते हो या पोजीशन बना सकते हो। लेकिन ओवरऑल आई वुड लाइक टू से अगर आप सिर्फ कैश में काम कर रहे हो तो आप अभी, दिस इज द टाइम के मार्केट में 100 में से नॉट मोर देन आई वुड से 40-50 रुपीज यू शुड इन्वेस्ट इन दिस मार्केट इन कैश। हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कर रहे हो तो लेवल्स के हिसाब से कीजिए और वहां पर लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हो। सो इन एन एक्चुअल, अभी मैं और एक बार रिपीट करूंगा, निफ्टी स्पॉट 11,380 और 11,410 के ऊपर का क्लोज, और बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर 22,400 के ऊपर का क्लोज जब तक हमें देखने नहीं मिलता तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक मेरा टारगेट ये है कि निफ्टी के अंदर 10,800 या 900 पहले हमें दिखेगा, फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट विल भी 10,500, एंड बैंक निफ्टी के अंदर मेरा फर्स्ट टारगेट ही रहेगा 19,500। So these are the levels to watch in Nifty and Bank Nifty as well. Trade cautiously.
हमारे फ्यूचर ऑप्शंस के प्रोडक्ट को यूज करके काम कीजिए, वहां पर सेफ काम कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ में काम कीजिए, हेज पोजीशन बना के काम कीजिए, बुल स्प्रेड बेयर स्प्रेड बना के काम कीजिए, जहां पर आपका मार्जिन कम यूटिलाइज होगा। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट इन मार्केट फॉर टुडे। आई जस्ट रैप इट नाउ, हैव ए प्रॉफिटेबल वीक अहेड एंड कोशिश कीजिएगा थोड़ा कम एक्सपोजर कैश में रखने की। आई विल रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।